आपका केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बीकानेर आएंगे। वो शाम 4 बजे तकरीबन नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बीएसएफ कैंपस में जाएंगे, जहां शाम को राजनाथ बड़े खाने के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से बीएसएफ पोस्ट जाएंगे। इसके बाद शाम को उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो रावण पर भगवान राम की जीत की खुशी में दशहरा त्यौहार के दौरान शस्त्र पूजा की जाती है और इस शस्त्र पूजा में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह बीकानेर आएंगे। पिछले साल जैसलमेर में इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था जब वो जैसलमेर गए थे, लेकिन आज बीकानेर आने वाले हैं। तकरीबन शाम 4 बजे का वक्त जब नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और के बाद बीएसएफ कैंपस में जाएंगे और बड़े खाने में यहां पर मौजूद रहेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव यहां पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, 4 बजे का वक्त दिया गया है जब राजनाथ सिंह बीकानेर पहुंचेंगे, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उनके दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर बीएसएफ तैयारियों में जुटी है। बड़ा आयोजन बीएसएफ के लिए होता है। बड़े खाने के साथ साथ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। राजनाथ सिंह जी जो है 4:05 पर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो बीएसएफ कैंपस जाएंगे और कैंपस में शाम 7 बजे के बाद 7:30 बजे के आसपास जो है बड़ा खाना है, जिसमें मीडिया को भी इन्वाइट किया गया है। इसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे वे भारत पाक बॉर्डर पर जो एक पोस्ट है बीएसएफ की, उसे अवलोकन के लिए जाएंगे। इससे पहले शस्त्र पूजन करेंगे, जहां पर मीडिया से बातचीत भी संभव है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन है बीएसएफ के लिए। बड़े खाने के साथ साथ शस्त्र पूजन, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री जब आएंगे तो उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीएसएफ के जो आईजी समेत आला अधिकारी डीजीपी साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज की यानी की तैयारियां पूरी जोरों पर यहां पर चल रही है। लेकिन अगर कल की बात करें यहां पर लक्ष्मण, कल जिस तरह से आपने बताया कि शस्त्र पूजा है उसमें भी शामिल होंगे, इसके साथ ही भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका भी निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए।